लखीमपुर जिले में मंगलवार एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक आदमखोर बाघ का नाम मुस्तफा रख दिया गया। इसके बाद सदर तहसील में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें लोगों का कहना है कि मुस्तफा हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा हैं, और अब ये नाम नरभक्षी बाघ का रख दिया गया है। जो आदमखोर हो गया था, जिसे डेकुलाइज करके उसको यहाँ से ले जाके वहाँ लखनऊ के जू में छोड़ा गया, लेकिन उसका नाम मुस्तफ़ा रखा गया, चूंकि मुस्तफ़ा हमारे पैगंबर का नाम, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक का नाम है, हमारे नबी के नाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से एक आदमखोर बाघ का नाम रखने से हम लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। हम लोग इस बात को लेकर खीरी में, लखीमपुर में कल हमने प्रदर्शन किया, जिलाधिकारी को, एक राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन दिया है, और हमारी मांग है कि इसका नाम आदमखोर जो बाघ है, इसका नाम बदल के कुछ और रख दिया जाए। अगर हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो हम ऐलान कर रहे हैं, अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं तो जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे इसको लेकर हम धरना प्रदर्शन करेंगे, इसको लेकर हम अपनी मांग के लिए प्रदर्शन करेंगे। हमारी राज्यपाल से मांग है इसका नाम तत्काल हटा के, हमारे मुस्तफा, हमारे पैगंबर के नाम से हटा के कुछ और रख दिया जाए। हमारी मांगे पूरी हो। एक नरबच्ची का नाम मुस्तफा रखे जाने को लेकर एक वर्ग विशेष के लोगों ने अपना इस पे विरोध दर्ज कराया है। हालांकि उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अपने पैगंबर का अपमान बताया है, लेकिन अभी तक वन विभाग की तरफ से इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई है। गोपाल गिरी, ईटीवी, लखीमपुर खीरी।